महादेव वो दिव्य अग्नि है जो हमें स्वीकारती, महादेव वो दिव्य अग्नि है जो कोई भेदभाव में नहीं करती। कभी तुमने धातु को देखा है? तुम लोहे को देखना, आयरन, केमिकल फॉर्मूला आयरन फेरम Fe, बिल्कुल प्योर आयरन, ब्रिटल होता है, जंक लगते हैं, और बहुत देर तक अपनी धार वो लोहा रख नहीं सकता। लेकिन जहां इस आयरन में थोड़ी इंप्योरिटी डाल दी जाए, कार्बन, और फिर इसको तपाया जाए, फिर यही लोहा फौलाद बन जाता है। Then the same iron starts to become steel. So much more stronger, so much more resistant to rust. हमारे अंदर भी कितनी सारी इम्प्योरिटीज हैं, और हमारी इम्प्योरिटीज हैं हमारी इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी की हम इतने बढ़िया नहीं, इतने अच्छे नहीं, इतने सुंदर नहीं, इतने अमीर नहीं, थोड़े मोटे हैं, एक तो है कि हम ये सारी इम्प्योरिटीज अपने भीतर से हटा दें और न जाने कितना जन्म लगेगा। और जिन लोगों में इनसिक्योरिटी होती नहीं, जो बिल्कुल अपने आप को पवित्र समझते हैं, वो भी साधना की मार्ग पे निकलते हैं, लेकिन वो आयरन की तलवार है। हम शिवयोगी, चाहे कोई भी इनसिक्योरिटी हमारे भीतर क्यों ना हो, हम उस इनसिक्योरिटी को लेकर महादेव की अग्नि में छलांग मार देते। क्यों? क्योंकि महादेव हमसे प्रेम करते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते, और अगर हम उस अग्नि में छलांग मार देते हैं, वी कम आउट 1000 times स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, 1000 times स्ट्रॉन्गर देन एनीबडी एल्स। और यही मैसेज मैं हर बच्चे को देना चाहता हूं जो किसी ना किसी इनसिक्योरिटी के साथ डील कर रहा है। क्योंकि देखो, एक बच्चे में और एक टीनेजर में क्या फर्क होता है? जब हम बच्चे हैं, हम खुश हैं, हम ओब्लिवियस हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं, विजडम ब्रिंग्स इनसिक्योरिटीज। तुम इन इनसिक्योरिटी से डरना मत, ना इनसे भागना। तुम बस अपने जीवन में महादेव की अग्नि का आवाहन करना, और इस अग्नि में बहुत प्रेम से समर्पण कर देना, और तुम पाओगे यू विल बी फोर्ज्ड into the most powerful version of yourself.